everyone, welcome to Mohari Devi Taparia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture, we are going to progress our grammar topic, which is transformation of sentences. इससे पहले के वीडियोस में हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का टाइप ए, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम इंटरचेंज करते हैं डिग्रीज को. तो हमने डिग्रीज का इंटरचेंज करना सीख लिया था कि कैसे हम अफर्मेटिव से नेगेटिव में डिग्रीज को इंटरचेंज कर देते हैं. मैं आपके लिए ऐसे इसको सेक्शन में डिवाइड इसलिए कर रही हूँ ताकि ये मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इजी वे है सीखने का इंटरचेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशंस को. तो आई होप आपको ये जो वे है वो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहे होंगे सारे मेथड्स अच्छे से. तो अब हम एफर्मेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको इंट्रोगेटिव वाला भी कर चुके हैं कल की वीडियो में. तो इसमें हमने दो रूल्स पढ़े थे कि एक तो ये था कि एसरेटिव में जब पॉजिटिव हो तो उसे करना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज, और एसरेटिव में जब नेगेटिव हो तो उसे करना है इंट्रोगेटिव के पॉजिटिव में चेंज. ये हम बात कर चुके थे कल. ओके, कुछ याद आया आपको? आई होप आपको ये रिकॉल हो गया होगा. और इसके हमने बहुत सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था. आज हम चलेंगे इसके रूल नंबर सेकंड की तरफ. ये तो हो गया इसका रूल नंबर फर्स्ट. अभी हम क्या कर रहे हैं, एसरेटिव नेगेटिव कर रहे हैं, उसमें ये तो हो गया इसका रूल नंबर फर्स्ट. ओके, इससे पहले हमने एफर्मेटिव नेगेटिव वाले सेक्शन में किए थे रूल, ऑलमोस्ट 9 या 10 रूल के करीब किए थे. अब इसमें हमने फर्स्ट रूल ये जान लिया कि ये होता है सबसे सिंपल वाला. ओके, अब इसका हम अगर सेकेंड रूल कवर करें आज तो उसकी बात करते हैं. इसके सेकेंड रूल में है WH जो वर्ड्स है, WH वर्ड आप जानते होंगे, हु, हूज, व्हाट, ये सब WH वर्ड्स में आते हैं, विच, whom. ओके, तो WH वर्ड हो जिस सेंटेंस में वहां पे हमें क्या करना है, अगर इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस है, ओके, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, अगर उनमें WHO वर्ड आए, ठीक है, WH वर्ड आए या फिर WH वर्ड आए, तो WH वर्ड में मान लीजिए हु है. ओके, अगर हु आ गया यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, तो उसे अगर हम चेंज करेंगे किसमें, एसरेटिव में. ये तो पढ़ रहे हैं ना, इंट्रोगेटिव को एसरेटिव, एसरेटिव को इंट्रोगेटिव. तो उसे हम जब चेंज करेंगे एसरेटिव में तो हमें क्या करना होगा, एवरीवन किसकी जगह, WH वर्ड की जगह. ओके, यानी हु की जगह. सबसे पहले हम हु को ही लेके चलते हैं ताकि हमें इजीली ये सारी चीजें क्लियर हो जाए. तो हमें क्या करना है, एवरीवन और ये तो किसमें होंगे, ये तो होंगे एफर्मेटिव सेंटेंस में. ओके, और इसी को अगर हम नेगेटिव में इंटरचेंज करें, यानी एसरेटिव में दो टाइप होते हैं, हमें पता है ना, हमने ये भी बात कल करी थी कि एसरेटिव में नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव, यानी कि सॉरी एफर्मेटिव भी होता है. ओके, ये हमने बात कर ली थी कल. तो नेगेटिव में हम मार्क करेंगे ये माइनस का मार्क, और जो एफर्मेटिव होगा उसमें हम करेंगे प्लस का मार्क. ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला ये टॉपिक है, पर हम इसको इतना सिंपल वे में कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाने वाला है. तो हम नेगेटिव की बात कर रहे थे. नेगेटिव में जब हम इसको लेके जाएंगे, एसरेटिव नेगेटिव जब हम बनाएंगे, तो इसको लिख देंगे नो बडी, नो वन. ओके, नो बडी, नो वन. और एफर्मेटिव में हो जाएगा एवरीबडी और एवरीवन. इसके अलावा नेगेटिव में एक और कर सकते हैं हम, नन. ओके, तो ऐसे हम इसको इंटरचेंज करेंगे. आई होप ये रूल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं. जैसे WH वर्ड हु से शुरू हुआ है सेंटेंस, हु कैन डू दिस. ओके, हु कैन डू दिस. तो अब हम इसे क्या करेंगे, ये सबसे पहले देखो कौन सा सेंटेंस है, ये एफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, नॉट नहीं है ना यहाँ पे. अगर नॉट होता तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता, लेकिन ये एफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अब हमें ये ध्यान रखना है, इधर लिख लीजिए
लीजिए आप, जैसे एफर्मेटिव है तो आप लिख लीजिए प्लस का साइन, स्लैश लगा लीजिए इंटरोगेटिव साथ में है तो ये हमने मार्क मार्क लगा लिया क्वेश्चन मार्क का। ओके, तो अब हमें पता चल गया कि सेंटेंस कौन सा है, एफर्मेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जहाँ पे एफर्मेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आए उसे हमें इंटरचेंज करना है नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। यानी कि नेगेटिव और जैसे हम देख लेते हैं वो सेंटेंस नेगेटिव भी होना चाहिए और वो सेंटेंस क्या होना चाहिए, असर्टिव के फॉर्म में भी होना चाहिए। ओके, यानी उसमें इंटरोगेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें तो असर्टिव बनाना है। सो अगर हम हु को हटाएंगे तो हमें इसका क्या बनाना है, ये पॉजिटिव है तो इसका क्या बनाना है, हमें नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाने के लिए हमने ये लिखा है नोबडी, नो वन, नन। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, हु है तो नोबडी, नोबडी, फिर कैन डू दिस, बस इतना ही तो करना है हमें, एकदम सिंपल है। हमने इसको अब नेगेटिव और एसरेटिव बना दिया। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एक दो एग्जांपल्स और देख लेंगे ना इसके, तो ये हमें और ज्यादा इजी लगेगा। अब जैसे हु कैन काउंट द स्टार्स, इतना ही कर देते हैं, हु कैन काउंट द स्टार्स। तो अगर हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कौन सा है, एसरेटिव में, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हमें कैसे बनाना है इसको, नेगेटिव और एसरेटिव, है ना, यही तो बनाना है। हु को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नो वन, नो वन कैन काउंट द स्टार्स। ओके, आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं एसरेटिव में पॉजिटिव का, जिसे हमें पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो पहले हमें नेगेटिव सेंटेंस को यहां लिखना होगा, जैसे कैन डू दिस, नोबडी, एक लिखते हैं हु हैज नॉट डन, हु हैज नॉट डन द वर्क। ये क्या कैसा स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, देखिए आप ध्यान से, नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है। इतनी देर हम क्या ले रहे थे, इतनी देर तो हम पॉजिटिव इंटरोगेटिव ले रहे थे, अब हम ले रहे हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव। ओके, तो अब क्या करना है हमें इसे, हमें इसे अफर्मेटिव एसरेटिव में चेंज करना है। तो एसरेटिव अफर्मेटिव में जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हु हट जाएगा और एवरीबडी या एवरीवन में से एक लग जाएगा, तो एवरी बडी, एवरीबडी, सॉरी एवरीबडी नहीं आएगा, एवरीवन, है ना, क्योंकि वर्क की बात की जा रही है, स्ट्रक्चर तो हमें पता ही होना चाहिए। एवरीवन हैज डन दिस वर्क। ओके, सो आई होप आपको ये वाला रूल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट रूल के साथ, और उसके आगे इसमें ज्यादा रूल्स नहीं है सेकंड वाले पार्ट में, फिर उसके आगे हम इसका जो सी पार्ट है वो भी कवर कर लेंगे। सो आई होप आपको ये चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आपको तो उसे शेयर कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।